नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से 7 में से 6 सीटों पर अपने पत्ते खोले जा चुके हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस के वॉर रूम में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद हरीश मीणा, उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहे। हालांकि बैठक में 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार करने की बात सामने आ रही है। साथ ही अब आलाकमान द्वारा इन नामों पर मोहर लगने का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की उपचुनाव में घोषणा नहीं की है, लेकिन इससे पहले ही नरेश मीणा एक बार फिर से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा ने आज अपने समर्थकों के साथ जयपुर में अपनी ताकत दिखाई और नरेश मीणा को मजबूती देने के लिए प्रहलाद गुंजल भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। हालांकि इससे पहले नरेश मीणा की पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी रंधावा से भी मुलाकात हुई। नरेश मीणा देवली उनियारा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग लगातार तेज हो रही है। आज एक बार फिर से भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। युवाओं ने एक बार फिर से सीएम भजनलाल शर्मा से भर्ती को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग उठाई, लेकिन प्रदर्शन के दौरान मनोज मीणा और एक युवक के बीच हुई झड़प के चलते पूरा प्रदर्शन धुलता हुआ नजर आया। प्रदर्शन में हुए हंगामे के बाद सभी युवा तितर बितर हो गए। उपचुनाव में अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं की है और दूसरी ओर कांग्रेस का कोर वोटर माने जाने वाला मुस्लिम समुदाय ही कांग्रेस के विरोध में खड़ा हो गया है। वॉर रूम में जब प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन चल रहा था, उस समय एमडी चौबदार के नेतृत्व में वॉर रूम के बाहर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। एमडी चौबदार ने कहा कि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस का कोर वोटर ही नहीं बल्कि कांग्रेस का अनुयायी है। ऐसे में चुनाव में इस समुदाय को कांग्रेस किनारा करती जा रही है, लेकिन उपचुनाव में झुंझुनू सीट से मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो उपचुनाव में मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के विरोध में खड़ा होगा। राष्ट्रीय पुलिस शहीद दिवस पर आज हनुमानगढ़ की जिला पुलिस लाइन में शहीद दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने 30 पुलिस स्टेंट को प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि इस वर्ष देश में 216 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शहीद हुए हैं, जिनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, विधायक और सभापति ने पौधारोपण भी किया। नोडल प्राचार्य की जगह कृषि वर्ग के अधिकारी को लगाने सहित 15 मांगों को लेकर हनुमानगढ़ जिले के नौहर के राजकीय कृषि महाविद्यालय पर विद्यार्थियों द्वारा धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी विद्यार्थियों का कहना है कि महाविद्यालय प्रबंधन उन्हें पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं करवा रहा है और रिजल्ट के साथ ही छेड़छाड़ की जा रही है, और विद्यार्थी अपना रिजल्ट दोबारा चेक करवाना चाह रहे हैं तो वह भी नहीं किया जा रहा है। मांगे रखने पर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों से अभद्र व्यवहार भी किया है। उपचुनाव में कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन के तमाम कयासों पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विराम लगा दिया है। डोटासरा ने मीटिंग के बाद कहा कि पीसीसी की ओर से राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं किया जा रहा है और 7 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। हालांकि इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि गठबंधन का फैसला आलाकमान करता है, वो जैसा आदेश देगा पीसीसी द्वारा वही किया जाएगा। प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट ली है। बीते 2 दिनों से तीखी धूप के बाद आज मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला, जिसके चलते लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली। आज सुबह से ही प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के चलते तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहे जाने वाले खींवसर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से पिछली बार विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे रेवत राम डांगा पर भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में रेवत राम डांगा ने कहा कि पिछली बार चुनाव में थोड़ी कसर रह गई थी, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल का किला ढहा दिया जाएगा। भले ही हनुमान बेनीवाल के परिवार से कोई भी चुनाव मैदान में उतरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ने बता दिया है कि खींवसर में अब केवल बातों की राजनीति नहीं, विकास की बात होगी। चुनाव के लिए पार्टी ने मुझे पर भरोसा जताया है, उस पर मैं पूरी तरीके से खरा उतरूंगा। चुनाव भाजपा नहीं बल्कि खींवसर की जनता चुनाव लड़ने जा रही है।
जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में श्री लेह लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग में एक सुरंग निर्माण स्थल पर आतंकी हमले में एक डॉक्टर सहित 6 श्रमिकों की मौत हो गई है, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई है। वहीं इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि वे आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के गांधरबल में आतंकी हमले ने एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूर सहित कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और असम्य अपराध है। सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आतंकियों का यह दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।